इंदौर जिले के राऊ थाने के सब इंस्पेक्टर अनिला पाराशर बेसहारा बुजुर्गों की सहारा बनी। सब इंस्पेक्टर ने फुटपाथ पर बसेरा करने वाले बुजुर्गों को आधी रात में कंबल बांटे। फुटपाथ पर रहने वालों को कंबल का वितरण किया। राऊ थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर अनिला पाराशर ने महू, राऊ और इंदौर में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए गर्म कंबलों का वितरण किया। अनिला ने बताया कि हर साल कड़कड़ाती सर्दी में कई ऐसे गरीब मजदूर लोग हैं जो मजबूरी वश फुटपाथ पर रहकर जीवन यापन करते हैं। उन्होंने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद मुझे ये प्रेरणा मिली कि कई ऐसे लोग हैं जो दानदाता हैं, लेकिन वह ऐसे लोगों तक पहुँच नहीं पाते हैं जिसकी वजह से ज़रूरतमंद लोग वंचित रह जाते हैं। इसके बाद रात 10 बजे के बाद स्वयं ज़रूरतमंद लोगों को सर्च कर कंबलों का वितरण किया जा रहा है। रविवार रात में अनिला पाराशर ने पत्रकार जितेंद्र वर्मा, संजय वर्मा, प्रकाश सिसोदिया सहित अन्य मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन साई मंदिर में जाकर कंबल का वितरण किया। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। वो कंबल वितरण कर रहे हैं और कब से क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने संकल्प लिया था ये दिसंबर 2019 से। चूँकि मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, तो पेट्रोलिंग के दौरान हम लोगों ने फुटपाथ पर निराश्रित गरीब बेसहारा बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को देखा और अगले दिन हमें पता चला उन्हीं में से एक व्यक्ति कड़कड़ाती ठंड में उसकी मृत्यु हो गई। ठंड से अकड़ने के कारण उसका मृत्यु का कारण रहा, तो काफ़ी दुख हुआ कि हम उस व्यक्ति को एक कंबल भी नहीं ओढ़ा पाए। तब हमने संकल्प लिया और ठंड के सिपाही नाम से हमने एक मुहिम चलाई, जिसमें लास्ट ईयर हमने दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक करीबन 8,500 के कंबल जन सहयोग से बांटे थे, जिसकी कुल लागत कीमत रुपये कितना 10,000 रुपये था। तो इतना बांटने के बाद जब हमने ये शुरू किया और हमें जनसहयोग मिलने लगा, जिसमें हमें ईरान से, केरला से, सब जगह से कंबल आने शुरू हुए, तो इस प्रकार से कंबलों की कुल कीमत हो गई 8,50,000 रुपये। इस साल भी उस मुहिम को हमने आगे बढ़ाया और हमने इस साल 10,000 कंबल का संकल्प लिया, तो आज हमने शुरुआत की है। इसके पहले भी हम शुरुआत कर चुके थे, किंतु अभी ज़्यादा मात्रा में कंबल उपलब्ध होने के कारण हमने आज का दिन चुना और हमने शुरुआत की है महू रेलवे स्टेशन से, महू बस स्टैंड से, महू साई मंदिर के पास से। हमने महू से शुरुआत की है और यहाँ पर जितने भी निराश्रित बेसहारा बुजुर्ग लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो परिक्रमा देने महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर आए थे और चूंकि समय के अभाव के कारण वो यहाँ पर विश्राम करने लगे, किंतु उनके पास कंबल की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उन्हें भी हमने कंबल ओढ़ाए हैं। जैसे महू के अंदर जैसे बेसहारा लोग आते हैं, यहाँ पर रेन वसेरा भी नहीं होता, इसमें आप क्या बताएं? हमने उनको हालांकि जानकारी दी है कि आप लोग इंदौर में जो रेन बसेरा है उसके एड्रेस और फ़ोन नंबर हमने दे दिए हैं कि आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। हमने भी वहां बात कर ली है। आगे चल के मैं यहां भी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन करूंगी, तो उसे फुटपाथ आदि की सहारा लेना पड़ते हैं, तो यहां पर भी रेन बसेरा की ज़रूरत है। नाम बता दीजिए आपका। सब इंस्पेक्टर अनिला पाराशर, थाना राऊ, जिला इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।